उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जीएस प्रियदर्शी सर ने ग्राम विकास आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। सर, ग्राम विकास विभाग एक काफ़ी बड़ा विभाग है, आपने आयुक्त पद की जिम्मेदारी ग्रहण की है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके गांव के विकास को लेकर? अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। प्राथमिकताएं तो सबसे पहले यही होंगी कि जो विकास की योजनाएं हैं पहले से जो चल रही हैं उनको और बेहतर तरीके से और बृहत तरीके से उनको चलाया जाए, ताकि जनता से जुड़े इस विभाग में जनता को और ज़्यादा लाभ दिलवाया जा सके। पब्लिक ग्रीवांसिस पर भी पूरा का पूरा ध्यान रहेगा कि पब्लिक ग्रीवांसिस कम से कम हों, अगर हों तो उनका निस्तारण तेज़ी से किया जाए। तीसरा, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशंस हर जगह हो रहे हैं, उनमें से कितने हम लोग अपनी योजनाओं को जोड़ सकते हैं उस पर भी हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। और ओवरऑल ये है कि डिपार्टमेंट के माध्यम से ज़्यादा योजनाओं को तेज़ी से चलाया जाए, जिससे जनता को और ज़्यादा लाभ हो सके। सर, आप शासन में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे, इससे पहले आप जिलों में जिलाधिकारी के पद पर रहे, तमाम बार यह प्रायः देखा जाता है कि जो गांव की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री आवास हो या अन्य समस्याएं, उसको लेकर तमाम शिकायतें रहती हैं, तो उन चीज़ों को दूर करने का आपने क्या कोई प्लानिंग की है सर? जैसे मैंने बताया, पब्लिक ग्रीवांस जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि पब्लिक की कम से कम समस्याएं हो सकें, और अगर होंगी तो उन पर जो है तेज़ी से निस्तारण हो सके। तो हम लोग यहाँ बैठकर ये सुनिश्चित करेंगे, अपनी पूरी टीम के साथ भी बात करेंगे, कि हम लोग ऐसी व्यवस्था रखें कि पब्लिक को कम से कम ग्रीवांस हो सके, जो जिस योजना के लाभ के लिए एलिजिबल है उनको तेज़ी से लाभ दे दिया जाए, तो मेरे विचार से अपने आप पब्लिक ग्रीवांस थोड़ी सी कम होंगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी सर, जिन्होंने बताया कि जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, शासन की जो योजनाएं हैं, उन्हें और नीचे स्तर तक पहुंचाने को लेकर काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।